दोस्तों, अभी मैं निकला हूँ अपने खेतों की तरफ और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये रोड का। दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब इतना सुकून है गांव में। ये देखिए, दोनों तरफ खेत हैं और दोनों तरफ पेड़ हैं। ये यहाँ पर एक लेप्टस का बगीचा है, उसमें साथ ही महोगनी का है। ये हमारा ही पेड़ है, ये हमारा बगीचा है। मैं घूमने आया हुआ हूँ और उसके बगल में धान के खेत लगे हुए हैं। इतना सुंदर नज़ारा है गांव का। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आगे एक पुल है, नदी है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये देखिए, हरा भरा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है, धान के फसल लगे हुए हैं। गांव का ये नज़ारा दिल को सुकून देता है। और ये है पुल, ये दोनों तरफ गांव है, उधर उस पार भी एक गांव है और मेरे पीछे भी एक गांव है। और ये बहुत ही पुरानी नदी है। इस नदी में हम लोग बचपन में नहाने के लिए आया करते थे, लेकिन अभी इसमें पूरा जो जंगली जो कच्चू है वो भर चुका है नदी में। और लेकिन ये बहुत ही मस्त नज़ारा है। बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ इस नदी पे बहुत आया करता था खेलने के लिए, और हम लोग नहाते भी थे उसमें। ये बहुत पहले की बात है, अभी नदी बहुत सूख चुकी है, पानी बहुत कम हो चुका है। और ये पुल उस वक्त नहीं था, ये पुल अभी लगभग बन करके 8-10 साल हो रहा होगा। तो ये नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मन को सुकून। जब भी मौका मिलता है तो मैं घर से निकलता हूँ और ये इधर खेतों की तरफ आता हूँ, फिर इस नदी के ऊपर आता हूँ, पुल पर थोड़ा सा बैठ कर यहाँ जो नज़ारा है उसका मज़ा लेता हूँ। हमारे दो मेरे साथ जितने मेरे दोस्त हैं सभी आते हैं। तो ये गांव का एक अलग ही माहौल है। जब मन आपका थक जाए, आपको थोड़ा सा रेस्ट जब करने का हो, तो शाम को आप निकलिए, गांव में घूमिए, खेतों में घूमिए, फसलों को निहारिए। और साथ ही साथ इस तरह से जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक खूबसूरती है, उसका मज़ा लीजिए। ये मखाना खेत है, मखाना फसल है, नदी में ही इसको फसल को बोया गया दोस्तों। ये मखाना इसको बोलते हैं हमारी तरफ। और बहुत से किसान ने अपने फसल को लगाया हुआ है। ये सामने एक घास का फसल है, उसमें घास बोया हुआ है। नदी का लेवल बहुत सूख चुका है, कहीं पर ये पानी कम हो चुका है। तो कैसा है मेरे गांव का नज़ारा, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण इलाका है, जो प्राकृतिक दृश्य है, जो खूबसूरती से भरा गांव के जो हरे भरे खेत हैं, नदी हैं, पुल पहाड़ जो भी हैं, कि आपको भी इस तरह के जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक जो दृश्य हैं घूमने का, आपको भी अच्छा लगता है घूमने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे गांव का नज़ारा कैसा लगा।